लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है और उसको देखते हुए लगातार झारखंड के युवाओं में एक ही सवाल उठ रहा है कि आखिर उन लोगों का रिजल्ट कब जारी होगा और साथ ही साथ उनकी नियुक्ति कब होगी। और इसी को लेकर के जब हमने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि नियुक्ति लगातार हम दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की अगर बात करेंगे तो मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि इतिहास मत दोहराइए, हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और नियुक्तियों का सिलसिला जारी है। देखिए, हम तो पहले आप लोग को हमने कह चुके हैं कि साफ काम बड़ा तेज़ी से अभी काम शुरू हो गया है। कल नियुक्ति पत्र भी हम लोग अटेंगे। आज जो यहाँ झारखंड की जनता की जो भावना है उसी के अनुरूप ही सब चीज़ हम लोग काम करते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा इतिहास भूगोल हमको नहीं बुलवाओ है ना, बहुत सा इतिहास भूगोल है ना, इसीलिए ये भी जो काम हो रहा है ना इसके बारे में हमको ये विधवा पुनर्विवाह जो आप स्कीम लाए हैं इसके पीछे वजह क्या रही और क्या सोच है इसके पीछे? देखिए, बहुत समाज बहुत धर्म है ना। हम एकला जो महिला रहती है उसको भी पेंशन हम लोग देते हैं। थोड़ा सवाल इधर किया है ना, जो एकला महिला को भी पेंशन दिया जा रहा है कि उसका भी हम लोग देखभाल कर रहे हैं। और यहाँ बहुत समाज बहुत धर्म के हम सब हैं, उसको ध्यान में लेके हम लोग इस तरह से कदम उठाए। राज्यसभा के लिए दो सीटों पर चुनाव होना है, दादा उम्मीदवार इसके लिए, देखिए इसके लिए हमारा पार्टी है, उसके लिए एक कमिटी है, वहाँ से चर्चा करके निर्णय करके आप लोग के बीच में आएगा। धरना दे रहे हैं लगभग एक साल से कुछ ही समय कम हो गया, तो क्या उस पे सरकार विचार कर रही है? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का कई सब्जेक्टों का रिजल्ट नहीं है, उस पे विचार कर रहे हैं आप? साफ चीज़ जितना ही है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ को हम लोग छांट देंगे, कुछ चीज़ करेंगे, ऐसा बात नहीं। एक एक चीज़ करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए ठीक है। युवा परेशान है, नौकरी दीजिएगा आप लोग? नौकरी तो के लिए तो हम लोग तैयार ही हैं। आप हर बार जो है पूरा भाजपा माइंडेड है जी, आप एकदम हम चीन लिए हैं इनको। अरे आप लोग, आप बैकवर्ड आदमी है जी, हमारा आदमी हो के सब पांडे जी का भाषा बोल रहे हैं। देखिए, हम लोग केंद्र की सरकार की तरह नहीं है कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नाम पर सत्ता पर आए थे और आज जो है उनका 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। 10 वर्ष मतलब 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार की बात थी, लेकिन हमारी सरकार युवाओं की आशा और उम्मीदों पर खरा उतरेगी और लगातार मंत्रिपरिषद की बैठकों में भी हम लोग लगातार युवाओं को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियों में नियुक्ति दें आदि विषय पर गंभीरतापूर्वक बात हो रही है। तो बोल रहे कि नियुक्ति वर्ष में आप लोग नियुक्ति नहीं दे पाए, अभी जो है आश्वासन ही आश्वासन दे रहे हैं आपके विभाग में भी। डोंट लूज पेशेंस, इफ यू लूज पेशेंस देन यू लूज ऑल थिंग्स। समय भी तो रहेंगे बिना किसी चीज को उम्मीदवारों की सूची तक जारी कर दी, आप लोग का अभी तक सीट फाइनल नहीं हो पाया, वो कह रहे हम यात्रा शुरू कर दिए हैं, आप लोग नींद से जगे नहीं। क्या इस बार भी 19 वाला ही हाल होगा झारखंड में? अब हम लोग पिछलगु तो है नहीं, हमारी अपनी सोच है, अपना विचार है, अपने जीवन जीने की शैली है। ये थोड़ी है कि कोई कहीं से कुछ जाएगा तो हम भी कुछ जाए पीछे पीछे। लोहरदगा कौन लड़ेगा? अब ये तो हमारे जो पार्टी के प्रभारी हैं वही बता पाएंगे आपको, चूंकि उसके लिए मैं अधिकृत हूँ क्या, मैं तो कार्यकर्ता हूँ। बन्ना जी चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये तो, अब ये हम कैसे बताएंगे, ये हमारे प्रभारी जी को पूछिए आप। बन्ना जी, राज्यसभा के दो सीटें उस पर चुनाव होना है, देखिए ये गठबंधन मजबूती से चल रहा है और ये गठबंधन की बात है, और गठबंधन की बात को जो हमारे प्रभारी और हमारे अध्यक्ष और सीएलपी
जो अधिकृत है वही जवाब देंगे। तो साफ तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि राज्यसभा को लेकर के भी सारी तैयारियां जो है वो पार्टी की ओर से की जा रही है, राज्यसभा चुनाव जो होने वाले हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से बीजेपी ने 11 उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर गठबंधन का अभी तक सीट शेयरिंग का कोई फॉर्मूला तय नहीं हो पाया, तो इसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि अभी फिलहाल जो भी चीज़ें हैं वो पार्टी की ओर से की जाएंगी, हमारी ओर से सारी बातें जो है वो रख दी गई है। वहीं अगर हम लोग चंपई सोरेन की बात करेंगे तो चंपई सोरेन ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर के कहा है कि सभी लोग तैयारियों में हैं, वो पार्टी के लोग तय करेंगे कि आखिर इस बार क्या कुछ करना है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही, सहयोगी अमन के साथ में पूजा दुबे, लाइव इंडिया रांची।